Sponsored by Call Bharat, the leading digital marketing company in India. कल सिकवाल युवा प्रकोष्ठ तेलंगाना के प्रभारी राम शर्मा उपाध्याय सिद्धिपेट एवं नरेश पांडे हैदराबाद के नेतृत्व में जूम मीटिंग रखी गई, जिसमें संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई एवं आगे की कार्य प्रणाली पर भी विचार विमर्श हुआ, जिसमें मुख्यतः कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों तक भोजन सामग्री के वितरण को लेकर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे एवं आगे की प्रणाली निश्चित की, जिसके अंतर्गत आज दो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन सिकवाल युवा प्रकोष्ठ तेलंगाना द्वारा ले ली गई है, जो कि स्वर्गीय गीताबाई उपाध्याय धाकड़ी वाले की स्मृति में उनके सुपुत्र नेमीचंद उपाध्याय काजपेट द्वारा सिकवाल युवा प्रकोष्ठ तेलंगाना को सेवा के लिए समर्पित की गई एवं जरूरतमंद समाज के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर ये मशीनें मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी एवं आगे और भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें वरिंगल हनमकोंडा काजूपेट सिद्धिपेट में भी समाज के लोगों के लिए मुहैया कराने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। साथ ही आज हनमकोंडा में सिकवाल युवा प्रकोष्ठ तेलंगाना द्वारा दो जरूरतमंद परिवारों के घर तक महीने भर का राशन पहुंचाया गया। इस पूरे कार्यक्रम में राम शर्मा सिद्धिपेट, नरेश पांडे हैदराबाद, नेमीचंद उपाध्याय काजीपेट, रामदेव नागला हैदराबाद, कमल किशोर पांडे मलकाजगिरी, नटवरलाल व्यास ECL, मनोहर जी नागला हैदराबाद, अजय जोशी हैदराबाद, मुरलीधर तिवारी हैदराबाद, चेतन तिवारी हैदराबाद, कमल पांडे सिकंदराबाद, गोवर्धन जोशी हनमकोंडा, महेश पंडित हैदराबाद, भागीरथ पांडे सिकंदराबाद, काना उपाध्याय काजपेट, दिनेश मुल्ताई हैदराबाद ने अपनी उपस्थिति दी। नवभारत समाचार से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। जो जो कार्य कर रही है ने सबका ने एक एक बुक दिया था ना प्रसिद्ध बुक ना प्रदान पत्र ज्यादा बुक का अपन नहीं छपा वाला क्योंकि अपनों का तेलंगाना